भगवान के कितने अवतार हुए हैं कुल? 24। मुख्य कितने अवतार हैं? बैठो। भगवान के मुख्य कुल 10 अवतार हैं। 24 माने जाते हैं, भगवान के कुल 10 अवतार हैं। का पहला अवतार कौन सा है? मछली का अवतार है, ठीक। दूसरा अवतार है भगवान का कच्छपा अवतार है। तीसरा अवतार है भगवान का सूकरा अवतार है। अच्छा, अब ये बताइए, हमारे आपके लिए कोई मछली और कछुआ और सुअर बनने के लिए तैयार है? हमारे आपके लिए कोई बनेगा? किसी को अगर कह दीजिए ये तीनों चीज तो लोग मारने दौड़ेंगे। और भगवान हमारे लिए मछली भी बनने के लिए तैयार हैं, कछुआ भी बनने के लिए तैयार हैं और सुअर भी बनने के लिए तैयार हैं। वो किस लिए बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भक्तों का भला हो, मुझे कुछ भी बनना पड़े। ये नहीं है कि क्या बनना है, कुछ भी बनना पड़े मुझे। लेकिन भगवान, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान पर विश्वास भी नहीं करते और संसार पर विश्वास करते हैं। जो संसार के लोग हमारे लिए कुछ भी बनने के लिए नहीं तैयार है उन पर हम विश्वास करते हैं, और जो भगवान हमारे लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है उन पर विश्वास नहीं करते, ठीक है? ये सच्चाई है ना? अच्छा, और क्या है? उस पर हम शंका करते हैं, भगवान पर हमारी शंका रहती है कि भगवान है या नहीं है, ठीक है? और संसार पर हम विश्वास करते हैं, करते हैं ना? शंका जो है संसार पर करनी चाहिए कि संसार मेरा है कि नहीं है, और विश्वास भगवान पर करना चाहिए। लेकिन हम एकदम उल्टा करते हैं, ठीक। उसके बाद भगवान का कौन सा अवतार है? भगवान का फिर नरसिंहा अवतार है। भगवान आधा शेर बनते हैं और आधा मनुष्य बनते हैं। भगवान से पूछा गया, प्रहलाद ने पूछा कि भगवान ये बताइए आप कि आप खंभे से प्रकट हुए, आधा शेर बने और आधा मनुष्य बने, आप तो पूरा शेर बन सकते थे या पूरा मनुष्य बन सकते थे। मनुष्य बनकर के भी हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ सकते थे? कहा हाँ। तो कहा आप आधा शेर क्यों बने और आधा मनुष्य क्यों बने? कहा जानते हो क्यों? तुम्हारे लिए। कहा वो क्यों? कहा जो मनुष्य होता है अपने बेटे को पकड़ के गले से लगाता है, ठीक है, लगाता है ना, लेकिन कोई मनुष्य अपने बेटे को चाटता नहीं। कि चाटता है? कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं चाटता, गले लगाता है। तो कहा इसके नीचे मनुष्य बना कि तुमको गले लगाना था और मुझे दुलार करना था, चाट चाट के दुलार करना था, इसलिए शेर बन गया। क्योंकि शेर सबसे ज्यादा अपने बच्चे को चाट के दुलार करता है। सोचिए, मात्र अपने भक्त के लिए भगवान आधा मनुष्य बन गए और आधा शेर बन गए। इतना कोई करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं। उसके बाद भगवान बामना अवतार बनते हैं। बामना अवतार मतलब छोटा। ये बताइए, हमारे आपके सामने कोई छोटा बनता है? कोई नहीं ना? कोई छोटा बनने के लिए तैयार है? कोई छोटा, सब बड़े ही बनते हैं। और किसी को छोटा बना के देख लीजिए, फिर सिर न फूट जाए तो कहूंगा, मुंह में दांत नहीं बचेंगे। जरा किसी को छोटा करिए। लेकिन भगवान हमारे आपके लिए छोटा बन गए कि चलो भक्तों का भला होता है अगर छोटा बावना बनने से, तो मैं वो भी तैयार, वो भी तैयार। तो भगवान जो है हमारे लिए कितने रूप धारण करते हैं। अच्छा, उसके बाद भगवान का कौन सा अवतार होता है? परशुराम अवतार। भगवान फिर परशुराम बनते हैं। अच्छा, अब कहेंगे कि देखियो, जो थोड़ा चंदन उंदन लगाते हैं, पंडित बनते हैं, उनको हथियार नहीं लेना चाहिए, और जो हथियार लेके दूसरे को मारते हैं उनको चंदन अच्छा नहीं लगता है ना? अगर कोई बंदूक लेके आए और चंदन लगा के आए तो हम कहेंगे अरे यार चंदन लगाए हो, क्यों बंदूक लेके चलते हो, ठीक है? या तो बंदूक छोड़ दो या तो चंदन छोड़ दो, उसका अपमान करेंगे,
उसको दो बात सुनाएंगे। और भगवान परशुराम क्या करते हैं, चंदन भी लगाते हैं और तीर धनुष भी लेते हैं, ये भी मंजूर है भगवान को। उसके बाद भगवान बनते हैं राम, परशुराम के बाद भगवान राम बनते हैं। और जब भगवान राम बनते हैं तो राम जी की तो सारी कहानी जानते हैं हम, हाँ? राम जी कैसे हैं, क्या क्या देते हैं राम जी, गिन लीजिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरी ते त्रय लोक सुपासी श्री राम। भगवान क्या देते हैं, जो आनंद, ठीक है, आनंद सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता, बात सही है, आनंद सब चाहते हैं लेकिन देना नहीं अपने लिए। जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं, और क्या, सुख भी सब चाहते हैं लेकिन सुख देना कोई नहीं चाहता। हमारे भगवान जी सुख नहीं चाहते, सुख देना चाहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रैलोक के सुपासी, सीकर का मतलब होता है एक बूंद, भगवान के पास इतना आनंद है कि उस एक बूंद से सारा संसार सुखी रहता है। अभी तो पूरा समुद्र पड़ा है उनके पास, और भगवान का सुख ही सही सुख है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया मुझे खाने पीने में सुख है, कहते हैं ना, ठीक है, आप 5 रोटी खा सकते हैं, 6वीं रोटी खा लीजिए तो पता चले सुख है कि नहीं रोटी खाने में, बीमार हो जाएंगे ना। एक गिलास पानी पीने की ताकत है, अगर आधी गिलास और पी लीजिए तो सुख पता चल जाएगा पानी पीने का। तो संसार का जितना सुख है उसकी सीमा है, आप 5 रोटी ही खा सकते। अच्छा, कहेंगे सोने में बड़ा सुख मिलता है, जरा सो जाइए 2 घंटा ज्यादा सो जाइए, उठेंगे तो कहेंगे शरीर में पीड़ा हो रही, लीजिए। तो सब की एक सीमा है, एक फ्रेंस है, लेकिन भगवान के सुख का कोई फ्रेंस नहीं, कोई सीमा नहीं, आपको जितना मिलेगा मिलता रहेगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि से करिते त्रय लोक सुपासी श्री राम। तो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दा यक विश्रामा श्री राम। और भगवान कौन है, सुख के धाम है, धाम का मतलब होता है घर है, ठीक है। ये बिजली कहाँ से आ रही है, उसको कहते हैं बिजली घर से आ रही है। हमारे आपके पास जो थोड़ा बहुत सुख है ना, तो भगवान के पास से आता है, हमारे आपके पास सुख नहीं है। लाइट जल रही है ना, और जहाँ से लाइट आ रही है अगर वहाँ कट जाए तो कुछ नहीं रहेगा। तो हमारे आपके पास जो थोड़ा बहुत जो सुख है, थोड़ी सी जो लाइट है, वो भगवान के पास से आ रही है, हमारे आपके पास कुछ है ही नहीं। तो भगवान कौन है, सुखधाम। सो सुखधाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा, सारे संसार को विश्राम देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं, उनका नाम राम है। अच्छा, हमको आपको विश्राम मिलता है कभी, हमारी आपकी जिंदगी जानते कैसे है, कल सुख होगा, परसों सुख होगा, अगले बरस कुछ ऐसा करेंगे कि बहुत सुख होगा, फिर अगले बरस कुछ ऐसा करेंगे कि बहुत सुख होगा। बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, बूढ़े होने के बाद चलने की ताकत नहीं रह गई,
लेकिन अभी तैयारी चल रही है कि सुख मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि हमारी आपकी जिंदगी कैसे है, जैसे रात भर आदमी बिस्तर बिछाता है सोता नहीं, वैसे दिन भर हम तैयारी करते हैं रात दिन जीवन भर कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं। और सुख मिलेगा कहाँ? कहाँ? विश्राम। कहा विश्राम? कहा राम जी में विश्वास करेंगे तो जहर पिला देंगे। शंकर भगवान को के साथ यही किया उन्होंने ना। शंकर भगवान से कहा राम जी ने, कहा प्रभु, कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा संसार में बड़ा जहर है, समुद्र मंथन से जहर मिल गया, वो विष आप पी लो। तो आप भी कहेंगे कि राम जी की भक्ति करेंगे तो विष पिला देंगे। तो शंकर भगवान ने क्या कहा? विष उठाया और विष पी लिया और कहा राम। राम जी तो खड़े थे। कहा आप जहर पी के राम कह रहे हैं? कहा नहीं महाराज, आप पूरा बोलिए, आधा क्यों बोल रहे हैं? कहा क्यों? कहा पूरा बोलिए। कहा क्या? कहा विष और राम। जब विष और राम मिला तो विश्राम मिला। संसार जहर देगा लेकिन राम मिलाए रहिए तो विश्राम मिल जाएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करिते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दा यक विश्रामा। श्री राम हुआ, राम जी का अवतार हुआ। संसार विष देगा, आप राम जपते रहिए, विश्राम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, चिंता मत करिए। और जितना भटकते रहेंगे ना, आराम नहीं मिलेगा। और सत्य बताओ, पूरी गीता आप याद कर लिए आराम नहीं मिलेगा, पूरी रामायण याद कर डालिए आराम नहीं मिलेगा, पूरा वेद याद कर डालिए आराम नहीं मिलेगा। क्यों आराम नहीं मिलेगा? गीता पूरी याद हो जाएगी तो अहंकार हो जाएगा, रामायण ज़्यादा याद कर लेंगे तो अहंकार हो जाएगा, ज़्यादा माला जपेंगे तो अहंकार हो जाएगा, ज़्यादा भजन करेंगे तो अहंकार हो जाएगा। और अहंकारी आदमी कभी सुखी नहीं होता। अहंकारी दो न तो सुख दे सकता है और न तो सुख ले सकता है। अहंकारी आदमी न तो सुख दे सकता है और न तो सुख ले सकता है। उसके हर समय चिंता रहती है, मेरी कुर्सी कहाँ है, मुझे बैठने को पूछा गया कि नहीं, अगर नहीं पूछा गया तो दुखी हो गया हाँ, और फिर सबको फिर डांटेगा कि मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे आपने पूछा भी नहीं। तो न तो सुख लेगा न तो सुख देगा। तो अहंकारी, जो भी चीज़ आपको अहंकार दे उसे छोड़ दीजिए, भगवान का नाम जपिए हाँ? और भगवान का नाम जपेंगे तो क्या होगा? अच्छा, संसार कैसा है? संसार को कहा गया कि समुद्र है, ठीक है। आप कहेंगे जब संसार समुद्र है तो बहुत सुंदर है, समुद्र बहुत अच्छा लगता है, जाते समुद्र किनारे हम ना, अच्छा लगता है देखने में ना। अच्छा, जरा एक बार पानी पी लीजिए उसका, तब पता चले समुद्र कितना अच्छा है, खारा खारा पानी। तो वैसे ही संसार है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में नहीं, बच के रहिए। संसार देखने में बहुत अच्छा लगेगा, संसार ऐसा है, संसार देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन खाने में अच्छा नहीं है, इसका स्वाद अच्छा नहीं। सुनेंगे, ध्यान देंगे, सुनेंगे। अच्छा, और समुद्र में क्या होता है? समुद्र क्या करता है? इससे लहर चलती है समुद्र में ना। और हमारा आपका जीवन कैसा है? कभी ऐसा रहता है? कोई है जो कह सकता है जीवन ऐसे चलता है? नहीं, कभी नहीं। समुद्र ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे हमारा आपका जीवन भी बस ऊपर नीचे है। तो इसे यह संसार है। अच्छा, समुद्र को कोई सुखा सकता है? नहीं, समुद्र को कोई सुखा नहीं सकता।
संसार को कोई मिटा सकता है? नहीं। लोग कहते हैं कुछ दिन बाद धरती खत्म हो जाएगी, अभी रास्ते में बात हो रही थी कि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं खत्म होगा, धरती सनातन है, सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, ये खत्म नहीं होते हैं, इनका रूप बदल जाता है। आज हॉलैंड ऐसे ऐसे टेढ़ा है, 10 बरस बाद कुछ और दिख हो जाएगा। बस कौन सा उपाय है? नाम ले तब सिंधु सुखाए करहु विचार सुजन मन माहि श्री राम जय राम नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान का नाम लेंगे ये संसार समुद्र सूख जाएगा और हम आप उस पार हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर से वही बात है, अपने नाम पर हमें विश्वास है कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, लेकिन भगवान का नाम हम जपेंगे हमारा भला होगा ऐसा विश्वास जल्दी नहीं होता। इसलिए लेकिन सत्य ये है कि भगवान का नाम जपना ही जपना है। उसके बाद राम जी के अवतार के बाद किसका अवतार होता है? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान कहाँ पैदा होते हैं? जेल में, ठीक। अब पैदा होते ही मृत्यु पीछा करने लगती है कि अब जो है कंस मारेगा, कंस मारेगा। उनके पिताजी उनको ले के भागते हैं गोकुल, वहाँ पूतना पहुँच जाती है, अघासुर बकासुर सब पहुँच जाते हैं और सब क्या कोशिश करते हैं? कृष्ण को मारना ही मारना है किसी तरह। ये तो बचपन है। अच्छा, जितना उनके ऊपर विपत्ति हमारे आपके ऊपर विपत्ति है? नहीं, उतना नहीं है। हम आप पैदा होते हैं तो माँ बाप, हमारे माँ बाप हमारे ही अपने ही गोद में लिए रहते हैं हमको, आपको भागना नहीं पड़ता जान बचाने के लिए। अब बड़े हुए तो क्या हुआ? कृष्ण भगवान जब बड़े हुए तो उनके दो पुत्र, पुत्र बहुत सारे थे लेकिन दो पुत्र थे, उनका नाम था प्रद्युम्न और सांब। सांब का विवाह हुआ था दुर्योधन की बिटिया से और प्रद्युम्न का विवाह हुआ था रति से। सांब 25 बरस के थे, रति 35 बरस की थी, तो सास बहू का पटता नहीं था, वो बहुत दिन से है कि सास बहू का नहीं पटेगा। तो रुक्मणी से हर समय झगड़ा रहता था रति का। रति घर में नौकरानी थी, अब सांब ने विवाह कर लिया तो उसको लगा ये हमारे घर की नौकरानी हमारी बहू कैसे बन गई, हर समय सास बहू में झगड़ा रहता था। और सांब जो है दुर्योधन की बिटिया का नाम था लक्ष्मणा, उसको चाहता था। लक्ष्मणा विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी तो स्वयंवर था तो सांब पहुंचा, जबरदस्ती लक्ष्मणा को उठा ले गया। तो दुर्योधन ने कहा इसको जान से मार दो। तो शकुनी बड़ा चालाक था, शकुनी ने कहा अब यही तो मौका है, कृष्ण को मिला लो, समधि बना लो। तो विवाह कर दिया और दुर्योधन ने लक्ष्मणा को इतना बढ़िया सिखाया, कहा सांब का कान भरो कि कृष्ण अगर पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो सांब कृष्ण से लड़ेंगे। तो प्रद्युम्न और सांब दोनों तैयार हो गए कृष्ण भगवान को मारने के लिए। ये कहानी सुने कि नहीं सुने? ये महाभारत की कथा है। सांब ने कहा कि अगर आप पांडव की तरफ से लड़ेंगे तो पहले आपको मुझसे लड़ना होगा। प्रद्युम्न ने कहा कि अगर आप पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो पहले मुझसे लड़ना होगा पिताजी। तो कृष्ण भगवान ने क्या बहाना बनाया? कहा मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो रथ हाँकूंगा, मैं हथियार उठाऊंगा ही नहीं। इसीलिए कृष्ण भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल रथ हाँकूंगा। वो जानते थे कि हथियार उठाए तो उधर से सांब और प्रद्युम्न आ जाएंगे लड़ने। तब अपने भाई से कहा, बलराम से कहा, भैया कहा क्या? कहा बच्चों का दिमाग बड़ा खराब हो गया है। कहा बात सही है। कहा क्या किया जाए? कहा तीर्थ कराया जाए। अगर आप तीर्थ करा देते तो बच्चों का दिमाग ठीक हो जाता। तब बलराम सांब को और प्रद्युम्न को लेके चले गए तीर्थ कराने। जब तक वो तीर्थ कराते 18 दिन में, तब तक
कृष्ण भगवान ने पूरा महाभारत खत्म कर दी, पूरा महाभारत करा दी 18 दिन के अंदर। तो कृष्ण भगवान का जीवन, बचपन और कृष्ण भगवान की जवानी दोनों युद्ध में भी बीती एक तरह से। लेकिन आप कृष्ण भगवान का चेहरा देखे कभी रोते हुए? कभी बताइए, कहीं रोते हुए चेहरा देखे? अच्छा भाई, किसी किसी के देवता है टंगे हैं, आंस बह रही है, आंसू बह रही है, पड़े हैं महाराज। और हमारे देवता कृष्ण भगवान इतने युद्ध के बाद वो हंसते हैं। हमारा आपका बेटा जरा सा नाराज हो जाए तो हम आप दुखी हो जाते हैं, और कृष्ण के बच्चे तो कृष्ण को मारने के लिए तैयार हुए, कृष्ण हंसते रहे। यही हालत है संसार की। तो कृष्ण जो है एक कृष्ण का जीवन है, दुख होगा, विपत्ति आएगी, लेकिन कृष्ण ने कभी किसी को दोष दिया कि तुम्हारे नाते हुआ, तुम्हारे नाते हुआ? नहीं, खुद लड़े और जीवन जिया। और अंत में कृष्ण भगवान ने क्या किया? देखा कि उनके जो पुत्र हैं बड़े अहंकारी हो गए हैं, ये तो संसार का नष्ट कर, संसार को नष्ट कर देंगे। तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने परिवार को ही नष्ट कर दूंगा। फिर क्या हुआ? कृष्ण का पूरा परिवार आपस में युद्ध किया। और युद्ध कैसे किया? वो तो अहंकारी थे। तो एक बाबा जी जा रहे थे, तो कृष्ण के जो बच्चे थे कहे बाबा जी जा रहे हैं, जरा इनसे इनकी परीक्षा ली जाए कितना ज्ञान है इनके अंदर। तो ओखरी होती, ओखरी जानते हैं ना, ओखरी और मूसल धान कूटने के लिए होता था। तो एक लड़के के पेट में ओखरी बांध दिए ऐसे और उसको साड़ी पहना दिए और उसका सिर ढक के बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जरा ये बताइए, इस लड़की के पेट में लड़का है या लड़की है? मजाक उड़ाया साधुओं का, साधु का। साधु ने समझ गए कि ये लोग मजाक करने आए हैं। कहा बेटा सुनो, तुम कृष्ण के बच्चे हो? कहा हाँ। कहा इसीलिए इतना हिम्मत किए, नहीं साधुओं का मजाक कोई उड़ाता नहीं है। कहा मैं तो नहीं जानता कि इसके पेट में लड़का है या लड़की है, लेकिन इतना मैं जानता हूं इसके पेट पर जो है उससे तुम्हारा नाश हो जाएगा। कहा वो कैसे? कहा बस नाश हो जाएगा, मैं यही देख रहा हूं। तो कृष्ण के बच्चों ने क्या किया, वो उखरी और मूसर निकाला, उसको इतना कूटा कि पाउडर बन गया। कहा बाबा अब बताइए, अब मेरा नाश कैसे होगा, इसको तो हम लोग नष्ट कर दिए। कहा बेटा समय बताएगा। कहा समय बताएगा? कहा एक काम करो, जितना पाउडर बना है समुद्र में फेंक दो। तो समुद्र में फेंक दिए। अब जब समुद्र में फेंक दिए तो क्या हुआ, वो बांस बन के प्रकट हो गया। वो जितना पाउडर था सब बांस बन के पैदा हो गया। और कृष्ण का परिवार गया वहां समुद्र में नहाने, आपस में झगड़ा हुआ, सबने वो बांस उखाड़ लिया, एक दूसरे को मारा और मर गए। और कृष्ण अभी जिंदा थे, कृष्ण बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। अच्छा कृष्ण, राजा राम हम कहते हैं लेकिन कभी हम सुने हैं राजा कृष्ण? कृष्ण कभी राजा नहीं बने, कभी राजा नहीं बने, अपने को कभी राजा घोषित नहीं किया। हाँ हमेशा छोटे रहे। तो परिवार को क्या किया, तो परिवार छोड़ दिया कृष्ण ने। जंगल में सोए थे कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान के जो पैर था वो चमकता था। तो एक बहेलिया ने सोचा कि ये तो हिरण की आंख चमक रही है, उसने तीर मार दिया भगवान के पैर में। भगवान उठ के बैठ गए, बहेलिया ने देखा कि ये तो भगवान है। कहा महाराज मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। कहा नहीं नहीं गलती नहीं, ये मेरा कर्म है, सबको जो धरती पर आया उसको कर्म भोगना पड़ता है। मैंने तुम्हें तीर मारा था राम बन करके, और इस जन्म में तुम मुझे मार रहे हो, ये हमारा कर्म है, कोई बात नहीं। भगवान ने शरीर छोड़ा। तो सोचिए भगवान का भगवान कृष्ण का जीवन सोचिए, बचपन युद्ध में बीता, जवानी युद्ध में बीती, परिवार युद्ध करके खत्म हो गया, अपने जंगल में सोए रहे बेचारे,
कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई रोना नहीं, हर समय हंसते रहना और प्रसन्न रहना, और दुनिया को जितना सुख दे सकते थे दिया। यही कृष्ण भगवान। तो कृष्णावतार, कृष्णावतार के बाद कौन सा अवतार होता है? बुद्धावतार। बुद्ध भगवान की मूर्ति है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा गफलत में हो गए हैं। महात्मा बुद्ध को बुद्ध भगवान मान लेते हैं। एक महात्मा बुद्ध है जो नेपाल में पैदा हुए कपिल वस्तु में, और एक बुद्ध भगवान थे जो गया में पैदा हुए। उनके कुल 12 भाई थे। तो कभी समय मिला तो बुद्ध भगवान की कथा सुनाऊंगा कौन 12 भाई थे। लेकिन जिनको हम देखते हैं ना ऐसे, वो महात्मा बुद्ध हैं। वो राजा के बेटे थे, और भगवान बुद्ध ब्राह्मण के बेटे थे, पुजारी के, मंदिर के पुजारी के बेटे थे। उसके बाद कौन अवतार आएगा? बुद्ध भगवान के बाद कल्कि अवतार आएगा। कल्कि अवतार कब आएगा? कलयुग में। कलयुग जब, तो कल्कि अवतार होगा, भगवान धर्म की रक्षा करेगा।